हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोग को मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अमित स्वाई और आपको मेरे चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर या इस सेशन के अंदर कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में कैसा होता है ना। लास्ट हमने देखा था कि मिरर के टाइप कितने हैं। उसमें हमने देखा था टू टाइप के मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में हमने कवर अप किया था किसको, उसके काइंड को, जिसमें हमने देखा था कि कनकेव क्या है और कन्वेक्स क्या है। तो आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ प्लेन मिरर, है ना, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कर्व मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर, तो लास्ट हमने मिरर क्या है देखा था कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसका एक साइड क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है, और एक साइड कैसा है, रिफ्लेक्टेड है, या उसे हम कह सकते हैं पॉलिश्ड है ना। तो एक तरफ पॉलिश किया गया है, चिकना बनाया गया है, या रिफ्लेक्टेड किया गया है, परावर्तक बनाया गया है, एक तरह कैसा है कलय किया हुआ, यानी पेंट किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसका बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है, अगर सपोज करो कि ये प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर के सामने अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, ये हमारा उस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज का, है ना। तो कैसा होगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है कोई ए बी, और इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है यू। याद रखना हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लेंगे, या फिर तुम ले सकते हो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो डी ओ ले सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर हम लिखेंगे यू। तो ये यू है। अब ये इमेज इसमें कैसा बनेगा, तो ये इमेज जो है एग्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। इमेज डिस्टेंस को हम लिखेंगे वी, या फिर हम लिख सकते हैं क्या डी आई, डी आई फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसका डिस्टेंस कैसा होगा, तो ये इमेज जो है सेम टू सेम बनेगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। तो पहला कैसा है, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज बोथ आर इक्वल, है ना। कैसा है, तो प्लेन मिरर से बनने वाले या फॉर्म होने वाले इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है। चलो इसको सिंपल एग्जांपल से हम लेते हैं। कितने लोगों ने आईना देखा है हर रोज सुबह उठ के, ऑब्वियसली सबने, मैंने भी देख के आया, देखो बाल बना के आया, तो सबने देखा है ना। तो इसका मतलब है कि सबने मिरर तो देखा ही, यानी इमेज देखा है, किसमें, प्लेन मिरर में, जो हमारे घर पे है बेसिकली वो एक प्लेन मिरर है। तो इसमें जब हम चेहरा अपना देखते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे अगर उसके हम पास में हैं तो हमारा जो इमेज है जिसको हम देख रहे हैं वो भी पास दिखता है। हम जैसे जैसे उससे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे वो क्या होगा, वो अंदर का इमेज भी डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज बोथ आर इक्वल, दोनों कैसा है, इक्वल है। सेकेंड, तुम जब आईना देख रहे हो, हम उसी से एग्जाम्पल से लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा छोड़ दो बुक को, तुम जब आईना देखते हो या तुम जो मिरर को देख रहे हो, ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या तुम्हारा इमेज जब उस मिरर के अंदर बन रहा है, ऐसा होता है तुम चेहरा देख रहे हो तुम्हें टांगे दिख रही है, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। क्या होता है, तुम चेहरा देख रहे हो तो चेहरा ही दिखता है, या ऐसा होता है कि तुम चेहरा देख रहे हो इसमें मुंह ऊपर, आंखें नीचे, नाक ऐसी उल्टी, नहीं है ना, वो भी सेम है। इसका मतलब है कि जो इमेज क्रिएट हो रहा है मिरर में वो कैसा है, वो सीधा है ना, या सीधा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इरेक्ट इमेज है। कैसा इमेज है, इरेक्ट है। तो सेकेंड हमारा कैसा है, द इमेज इज इरेक्ट, कैसा है इमेज, इरेक्ट है ना, इमेज कैसा है, इरेक्ट है, यानी सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है, इरेक्ट है। अब क्या तुम इस इमेज को पकड़ सकते हो, उस इमेज का पोजीशन तुम उसको डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या उस इमेज को तुम स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो।
तो जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता है या जिसको हम कह सकते हैं कि जो इमेज को हम पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। क्या कहेंगे उसे हम? वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसा है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल कैसा इमेज है? तो प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज कैसा है? इरेक्ट एंड वर्चुअल है। याद रखना, जो इमेज हम पकड़ सकते हैं या हम कह सकते हैं जिस इमेज को स्क्रीन के ऊपर हम फाइंड कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रियल। और जो स्क्रीन से नहीं पकड़ा जाएगा, इसे हम कह सकते हैं जिस इमेज को हम नहीं पकड़ सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल। समझ में? बेसिकली जो कर्व मिरर होता है उसमें जो मैक्सिमम इमेज जो होते हैं, कुछ इमेजेस फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर में बनने वाले जो इमेज होते हैं उसमें से मैक्सिमम इमेज क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, तो तुम एक मिरर लोगे, उसके सामने एक पिन रखोगे, एक रेड और एक वाइट। जब तुम रेड और वाइट को मूव कराओगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? रेड पिन जो होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, वाइट जो होगा तुम्हारा इमेज। जब तुम उसको आइडेंटिफाई करोगे ना, तो तुम्हें क्या होगा? व्हाइट वाले इमेज के ऊपर रेड वाले इमेज की पिन का, जो व्हाइट वाला पिन है उसके ऊपर तुम रेड वाले का इमेज ऑब्टेन कर पाओगे। इसे हम कहते हैं स्क्रीन पर पकड़ लेना। ठीक है ना? इसका मतलब है कि तुम उस इमेज को पकड़ पा रहे हो। कहाँ पे पकड़ पा रहे हो या कहाँ पे बना पा रहे हो? स्क्रीन के ऊपर। ऐसे इमेजेस क्या होते हैं? रियल इमेज होते हैं। लेकिन ये तो अंदर बन रहा है मिरर के, तुम अभी उसको अंदर जाकर कैसे इमेज बनाओगे? तो ऐसे इमेज को हम क्या नहीं कर पाते हैं? स्क्रीन के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है? अगर पॉसिबल होगा तो इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसा है और इमेज कैसे पकड़ सकते हैं। थर्ड आता है, कई बार तुमने देखा होगा इस चीज को, जब मम्मी घर पे आईने में पल्लू लेती है तो तुम्हें क्या होगा? मम्मी अगर लेफ्ट साइड में पल्लू ले रही है ना, तो आपको कैसा दिखाई देगा इमेज में? राइट साइड दिखाई देता है ना? यानी तुम लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट को ऊपर करोगे तो तुम्हें राइट दिखाई देगा, राइट को ऊपर करोगे तुम्हें लेफ्ट दिखाई देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या है? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं ना, लेटरली चेंज होता है ये। लेफ्ट का राइट दिखाई देना, राइट का लेफ्ट दिखाई देना, लेटरल चेंज हो रहा है, पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है, तुमने कई बार लेटर से, हाँ, लेटरल चेंज का एक और एग्जांपल है, तुमने देखा होगा आज ट्राई करना जाके अपने मिरर के सामने, उसमें तुम ए को रखना है यहां पे। तुम जब यहां ए रखोगे तो तुम्हें ए दिखाई देगा, एक पेज पे लिख के रखना। अब तुम उसमें लिखना बी, तो तुम्हें यहां पे बी इधर नहीं दिखाई देगा, सबसे पहले तो यहां दिखाई देगा, और कैसा दिखाई देगा? ऐसा। ये लेटरल चेंज हो, लेफ्ट का राइट चेंज हो गया। तुम यहां पे फिर सी लिखना, तुम्हें मिरर में दिखाई देगा सी ऐसे। फिर तुम यहां पे लिख के देखना डी, तुम्हें यहां दिखाई देगा डी। फिर तुम इसमें ऐसा लिखना ई, तुम्हें यहां दिखाई देगा ऐसा ई। ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल चेंज कहते हैं। याद रखना ये एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू या फिर वन मार्क्स में क्वेश्चन में आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच लेटर कैन बी ऑब्जर्व लेटरली चेंज फ्रॉम द चेंज इन अ प्लेन मिरर, है ना? कि समतल दर्पण है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है, कौन सा लेटर जो है क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर जो है वो लेटरली चेंज होगा, या फिर हम देख सकते हैं कौन सा नहीं होगा। तो याद रखना कौन सा नहीं होगा? ए नहीं हो पाएगा, आई नहीं हो पाएगा, एच नहीं होगा, एम नहीं होगा, ओ नहीं हो पाएगा, है ना? कुछ लेटर्स है जो चेंज नहीं होंगे, जैसे कि ए है तो ए ही दिखाई देगा, कैपिटल एच है तो कैपिटल एच ही तुम्हें दिखाई देगा, ओ है तो ओ ही दिखाई देगा, क्लियर? एम है तो एम ही दिखाई देगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू ही दिखाई देगा। तो ये कुछ लेटर है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है? ऑप्शन होगा तो अच्छी बात है, बना तुम अपने मन से सारे लिख दो, है ना? एक पेज के ऊपर लिख दो, ए टू जेड तक देखो उसमें से कौन सा चेंज होगा। एक्स चेंज होगा? नहीं, एक्स कैपिटल लेटर नहीं होगा। तो कुछ लेटर्स हैं जो चेंज नहीं होंगे, कुछ होंगे जो लेटरली चेंज होगा। ठीक है? तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेम होगा। सेकेंड क्या था? सेकेंड है कि इमेज कैसा है, इरेक्ट और वर्चुअल है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल। तुम जितने बड़े हो मिरर में तुम उतने ही दिखाई दोगे, है ना? मोटे पतले ऐसा कुछ दिखाई दोगे ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाई दोगे। जैसे जो तुम जितने बड़े हो, खाते पीते घर के हो, तो खाते पीता ही लगोगे, है ना? और अगर तुम हेल्दी हो, मस्त स्लिम बॉडी है, तो तुम वही दिखाई दोगे। यानी वो तुम्हें क्या नहीं करेगा? ना तो मोटा करेगा, ना पतला करेगा। यानी वो क्या नहीं करता है? वो इमेज को मैग्नीफाइंग नहीं करता है, ठीक है ना? या डिमिश्ड भी नहीं करता है, छोटा भी नहीं करता है और बड़ा भी नहीं करता है, मोटा भी नहीं करेगा, पतला भी नहीं करेगा। तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, यानी कि, और हाइट भी लंबा और छोटा नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? तो वो तुम्हें
इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम ही दिखाया गया, यानी कि तुम जितने बड़े हो इमेज तुम्हारा उतना ही बढ़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है। पहला क्या हमारा, पहला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होंगे। सेकेंड क्या है, इमेज कैसा है, इरेक्ट और वर्चुअल है। थर्ड क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगी। नेक्स्ट क्या है, लिटरली चेंज होता है, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। क्लियर हो गया, ये हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर। अब बात करते हैं कुछ थियोरेटिकल बातें। ये मिरर का हाइट और ऑब्जेक्ट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका जो फोकस है ना वो बहुत ही दूर बनता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्रिएट होता है। तो याद रखना, प्लेन मिरर के लिए फोकस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, बहुत ही लंबा होता है, यानी इसका फोकस मिलना लगभग लगभग नामुमकिन सा ये समझ लो, क्योंकि इसमें से लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे, कहीं पे गैदर्ड ही नहीं होंगे, यानी इसका फोकस हमें मिलना लगभग लगभग मुश्किल है, यानी नामुमकिन, यानी हम कह सकते हैं कि फोकस कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा। तो ये याद रखना, प्लेन मिरर के लिए फोकस कितना, इन्फिनिटी है। मैग्निफिकेशन जो हमें डिस्कस करेंगे वो हमेशा कितना होगा, +1 होगा। तो प्लेन मिरर का ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करना है, फोकस क्या होता है, हम कर्व मिरर में डिफाइन करेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे और डिराइव भी करेंगे। तो फोकस याद रखना है प्लेन मिरर का कितना है, इन्फिनिटी है। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के कितने लिए है, +1 है। क्लियर हो गया, ओके। तो अगर आपको कुछ नोट करना है या फिर कुछ करना है तो वीडियो को पॉज कर दे सकते हैं, पॉज करके नोट कर लो, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कर्व मिरर। तो आई होप कि आपने पेन पेपर और क्या प्रोटेक्टर और पेंसिल लेके बैठे होंगे, है ना। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कर्व मिरर। आज हम देखेंगे टोटल 6 है, 6 में से 3 आज हम देखेंगे, 3 कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले कर्व मिरर, तो ये हो गया हमारा कर्व मिरर, है ना। तो ये कौन सा मिरर है, आपको याद होगा मैंने कहा था, अ कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर हुज आउटर साइड इज पेंटेड एंड इनर साइड इज पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टेड, सच काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर, है ना। तो ये कौन सा मिरर है, ये है कनकेव मिरर, या ऐसे हम हिंदी में क्या कहा था हमने, अवतल दर्पण, है ना। तो यह हमारा है कनकेव मिरर। तो पहले हम इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन आपको नोट करना है, मैं बोल दूंगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला है द मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मिड पॉइंट, इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल पॉइंट। क्या है ये, प्रिंसिपल पॉइंट, है ना। तो द मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर या फिर द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व मिरर, याद रखना हम जो डिफाइन कर रहे हैं कर्व मिरर के लिए कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम होगा। तो वक्र दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य बिंदु, या उसे हम कहते हैं क्या, पोल। क्या कहेंगे इसे, हम पोल भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना ये प्रिंसिपल पॉइंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हमने कहा किसमें से काटा गया है, तो हमने कहा कि कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर। अगर ये होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर है तो इसका कोई एक सेंटर भी होगा, है ना, किसका, होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का, जिसमें से क्या किया गया है, इस कर्व मिरर को काटा गया है। तो जिस होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर में से इस कर्व मिरर को कट किया हुआ है, उस होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर फ्रॉम वेयर द कनकेव मिरर और कर्व मिरर इज कटेड, सच सेंटर ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे शो करते हैं, सी से, इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, तो P से करते हैं, याद रखना, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। जिस खोखले पारदर्शी गोले से वक्र दर्पण को काटा गया है, उस खोखले पारदर्शी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं,
वक्रता केंद्र, याद रखना डेफिनेशन साहब। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, वक्रता केंद्र तथा पोल से या ध्रुव से या फिर तो प्रिंसिपल पॉइंट से गुजरने वाला काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन पास एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, द लाइन विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा लाइन या फिर द रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द मिरर, क्या है? ऐसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज हैं और मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे रेज को हम क्या बोलेंगे? पैराक्सियल रेज, है ना, पैराक्सियल किरणें कहेंगे इसे। ठीक है, द रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द कर्व मिरर आर नोन एज पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल किरणें कहेंगे उसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो ये कैसे रेज है? तो ये रेज सपोज की पैरेलल है और पैरेलल रेज जब मिरर पे कोलाइड करेंगे किसी भी, कौन से मिरर पे? किसी कर्व मिरर पे कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर ये गैदर्ड होंगे, याद रखना वो पॉइंट हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस, या हम कहते हैं उसे फोकस, मेन फोकस, है ना। क्या होगा? द पैरेलल लाइन या द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन गैदर्ड एट अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट एंड सच पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस या फिर तो मुख्य फोकस। क्या होगा? मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होके, आपतित होने के बाद दर्पण से परावर्तित होके जिस बिंदु पर क्या करेंगे, एकत्रित होते हैं, उस बिंदु क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? मुख्य फोकस, है ना। द पैरेलल रेज इंसिडेंट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्टेड गैदर एट अ पॉइंट एंड सच पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे इसे। याद रखना पहला प्रिंसिपल पॉइंट, फिर से हम एक बार डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पैराक्सियल रेज, और ये कौन सा हो गया? तो प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कर्व मिरर, कर्व मिरर के दोनों एंड का डिस्टेंस क्या होता है? अपर्चर, है ना, अपर्चर सॉरी, या जैसा हम हिंदी में कहते हैं द्वारक। दोनों क्या है? कर्व मिरर के जो कर्वनेस है, उस कर्वनेस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? अपर्चर या फिर सॉरी अपर्चर या फिर उसे हम क्या कहते हैं? द्वारक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, अ परपेंडिकुलर प्लेन ऑन द प्रिंसिपल, अ परपेंडिकुलर प्लेन एट अ फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल क्या है, या फोकल प्लेन, प्रिंसिपल फोकल प्लेन, या उसे हम कहेंगे फोकल प्लेन। ठीक है, यानी किसके ऊपर? मुख्य अक्ष पे लंबवत, और किसके ऊपर? मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे, मुख्य अक्ष पे लंबवत समतल क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसे हम? फोकल प्लेन। याद रखना ये फोकस है और ये फोकल प्लेन है। फोकल प्लेन क्या है? तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, प्लेन की हम बात करें, सरफेस की, समतल की, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। तो इतना आपको डेफिनेशन इतना क्लियर हो गया। अब हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं। फिर से एक बार देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल पॉइंट, या उसे हमने पोल भी कहा। बेसिकली पोल हम लेंसेस में देखेंगे। नेक्स्ट हमने कहा द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। हम बात करें इस बार गोलीय स्पीयर की, है ना, स्पीयर का, जिसमें से क्या क्या है? कर्व मिरर को काटा गया है, उसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने कहा कि एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, किसके ऊपर? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला मुख्य अक्ष, काल्पनिक रेखा कैसा है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है
और मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उन रेस को या उन लाइन को हमने क्या कहा, पैरेक्सल रेस, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस जब क्या होते हैं, कर्व मिरर पे कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद जिस पॉइंट पे गैदर्ड होते हैं उस पॉइंट का हमने क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल फोकस पे जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उस प्लेन को हमने क्या कहा, फोकल प्लेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड प्रिंसिपल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है, नाभ्यांतर या फोकस दूरी, उसे हम हिंदी में कहते हैं नाभ्यांतर या फोकस दूरी, और इसे इंग्लिश में हम कहेंगे फोकल लेंथ या फोकस डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष तथा मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के बीच का दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी या नाभ्यांतर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसे किसके बीच का दूरी, वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष, मुख्य बिंदु या फिर प्रिंसिपल पॉइंट या पोल के बीच की जो दूरी है क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, किसे दर्शाते हैं हम उसे, आर से। बाकी हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड पोल, इमेज डिस्टेंस, है ना, इतना हमने देखा था। तो ये सारे हमारे कॉम्पोनेंट्स है, क्या क्या हमने देखा, पोल या प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेक्सल रेज, फिर हमने देखा एपर्चर यानी कि द्वारक, फिर फोकल प्लेन, क्लियर, हमने क्या देखा, फोकल प्लेन, फिर हमने देखा फोकस डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको इतना क्लियर हो गया, अगर अभी भी कोई डेफिनेशन में डाउट है तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, आप वहां से डेफिनेशन को नोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कर्व मिरर। तो पहला हमारा है कौन सा, कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस। तो आप क्या ले लो, मैंने जैसा आपको कहा था कि आप एक पेंसिल, एक प्रोटेक्टर और कुछ व्हाइट पेपर्स ले लो, जिससे आपको इमेज को ड्रॉ करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम यहाँ पे एक टेबल देखेंगे जिसके अंदर हम नोट करेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, पोजीशन क्या है, है ना, इस चीज को हम नोट करेंगे, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ इमेज, ठीक है। फिर हम देखते हैं साइन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस, क्लियर, और नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, इतना हम देखेंगे, क्लियर, ओके। तो इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व मिरर को ड्रॉ करेंगे, हमेशा सारे इमेज फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, कर्व मिरर को ड्रॉ करना है। फिर आप क्या ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस पे याद रखना हमें इक्वल डिस्टेंस, सपोज तुम्हारा स्केल है अगर 15 सेंटीमीटर, तुमने स्मॉल स्केल लिया है तो तुम अपने पेपर के ऊपर एक 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना, ये एक तुम्हें एक रफली बता रहा हूँ, आप वहाँ पर 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 12 भी ले लो, लेकिन याद रखना ऐसा लेना है कि हमारे पेज के अंदर आ जाए और इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो याद रखना, सबसे पहले हम एक 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, फिर एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे यानी कि 8 का मिड पॉइंट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और वहां पे हम लेके फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया हमारा फिलहाल मिरर हो गया और इसके पोजिशंस हो गए। तो हम एक एक करके इमेज ड्रॉ करते हैं, सपोज कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, बहुत दूर है, तो क्या होगा, तो अभी अभी हमने देखा था कि जब बहुत दूर होगा ना, उसका रे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, याद रखना जब बहुत दूर होते हैं उनके रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल रेस क्या होगा, तो ये जो पैरेलल रेस है ये हमेशा इंटरसेक्ट करेगा फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा, तो इन्फिनिटी का इमेज बनेगा एट फोकस, याद रखना है कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो हमें साइन कैसा मिलेगा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन आएगी नेगेटिव में यानी कि माइनस यू, इमेज डिस्टेंस भी आएगा माइनस में यानी कि माइनस वी। याद रखना ये साइन जरूर याद रखना। इमेज कैसा होगा, नेचर और साइज, तो नेचर कैसा है, बहुत ही छोटा, तुम्हें कोई इमेज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इमेज कैसा है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। और कैसा है, नेचर कैसा है, बहुत छोटा, साइज हो गया वेरी स्मॉल। और नेचर कैसा है, तो इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड है और रियल है, क्योंकि इसको हम स्किन के ऊपर कैच कर सकते हैं। तो याद रखना है कि अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होगा, डिमिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, और बहुत ही छोटा होने के साथ साथ कैसा होगा, तो वो इन्वर्टेड और रियल होगा, ठीक है। सेकेंड, ये ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल, इसके हमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड हम लेते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे थोड़ा सा दूर। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी है, जिसकी हाइट कितनी है, सपोज एच। तो ये एच हाइट का एक ए बी ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें इमेज ड्रॉ करना है, तो इमेज ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है, आपको मिनिमम 3 रेस को ड्रॉ करना है, कितने, 3। सबसे पहला पैरेलल, ठीक है, पहला कौन सा ड्रॉ करो, तो पहले आप एक मिरर का, ये मिरर बना लो, प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, फिर उसमें 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लो, उसके हाफ यानी कि 8 का हाफ होगा तो 4, 10 का हाफ होगा तो 5 सेंटीमीटर पे प्रिंसिपल फोकस ले लो। और अपने जैसे आपने क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है। तो बियॉन्ड सी में हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कौन है, ऑब्जेक्ट ए बी हमने क्रिएट कर दिया। तो बियॉन्ड सी पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो ए बी का हमें इमेज ड्रॉ करना है, कहाँ बनेगा, बताना है कि नेचर कैसा, तो हमें इसमें से कुछ याद नहीं करना है, ड्रॉ करोगे अपने आप ही, बाकी जो तुम्हारा पूरा है ना वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। साइन सिग्निफिकेंट हम देखेंगे कि हम माइनस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे इस फिगर के बाद। तो देखो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल, याद रखना है पैरेलल रेज जो है, हम दोनों देख रहे हैं, रे डायग्राम भी देख रहे हैं और इमेज भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली में दो पार्ट में होगा बुक में, टेक्स्ट बुक में दोनों अलग अलग है, हम सिंगल में देख रहे हैं। याद रखना, जो पैरेलल रेज होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होंगे, वो हमेशा कहां से इंटरसेक्ट करेगा, फोकस से। तो आपको पहला एक लाइन लेना है पैरेलल, जो कहां पे से होते हुए निकलेगा, फोकस से होते हुए निकलेगा। तो ये हो गया, फोकस से होते हुए निकला, आप कैसे ड्रॉ करते जाओ, कोई आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पैरेलल रे ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां पे कोलाइड करेगा, उसको फोकस से निकाल दो, ठीक है। इसको हम कहते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकलेगा, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड क्या करो, तो सेकेंड रे को आप लो फोकस से, क्लियर। तो सेकेंड रे को आप लो फोकस से, याद रखना प्रिंसिपल होते हुए फोकस होते हुए ये पॉइंट तक ले जाओ। अब याद रखना है कि जो रे क्या करेगा, फोकस से निकलेगा, जैसे ये पैरेलल था इसलिए फोकस से निकला, जो फोकस से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, क्लियर। जो फोकस से होते हुए आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, सेकेंड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड, दो रे हो गया अपना, तो ये हमारा रे डायग्राम क्या कह रहा है कि जो फोकस से जाएगा वो कैसा होगा, पैरेलल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है पोल से, लास्ट रे है पोल, और जो पोल से जाएगा ना, जितना एंगल यहां पे ड्रॉ करेगा, क्योंकि आपको याद होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्चुअली में सारे में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन फिलहाल हम यहां की खाली बात कर रहे हैं। तो जितना एंगल ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतने ही एंगल पे ये पास होगा, और ये ऑब्वियसली यहां से निकलेगा, तो ये होगा एंगल ऑफ आई और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर, और ये सारे रेस जहां पे मीट कर रहे हैं वो हमारा इमेज है, ए डैश बी डैश और हाइट हो गया एच डैश। अब तुम यहां पे क्या क्या दिख रहा है, एच इज ग्रेटर देन एच डैश है कि नहीं है, ठीक है ना, है ना, ओके। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज हमें मिल रहा है अपसाइड डाउन मिल रहा है, यानी इमेज कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है, कैसा है, स्मॉल है, और ये हमें यहाँ पे कैच हो रहा है, तो यानी कि कैसा है,
तो इमेज इन्वर्टेड है, स्मॉल है और कैसा है, रियल है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। प्लेस ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी। मैंने कुछ किया नहीं, कि अपने आप ड्रॉ हो गया। तो आपने भी ड्रॉ किया तो आप देखो, अब अपने आप ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे ड्रॉ हुआ, एफ और सी के बीच में। तो पहला हमारा हो गया कहाँ है, बिटवीन एफ सी, यानी बिटवीन फोकल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर साइड। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत ही बेसिक में आपको मैं दो स्टेप में बता रहा हूं, याद रखना है हमें। इंसिडेंस रे के अगर डायरेक्शन में मैं मेजरमेंट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंट हो रहा है ना, और डायरेक्शन हुआ, याद रखना सारा मेजरमेंट पोल से ही होगा, सारा मेजरमेंट प्रिंसिपल पॉइंट से ही होगा, चाहे वो मिरर है चाहे लेंस है। डायरेक्शन का मतलब ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, यानी मेजरमेंट का डायरेक्शन अगर यही होगा, यहां से अगर मैं मेजरमेंट करता हूं ये डायरेक्शन में, यानी यहां से अगर मैं उधर मेजरमेंट करूंगा सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो मेजरमेंट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा वो, पॉजिटिव, याद रखना, क्योंकि हम मिरर इधर बना सकते हैं इधर बना सकते हैं, तुम्हारा जैसा सही लगेगा वैसा बना सकते हो, लेकिन मेजरमेंट का लेफ्ट राइट तो लेफ्ट और राइट तो कर नहीं सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, इंसिडेंस रे के अगर मैं डायरेक्शन में मेजरमेंट करूंगा तो वो पॉजिटिव, तो दूसरा वाला क्या होगा, इंसिडेंस रे के अपोजिट अगर मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव। जैसे ये यहां पे हम कैसे करेंगे, यहां पे अगर मैं स्केल को रखूंगा और ऐसे मेजरमेंट करूंगा तो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में और मेरा मेजरमेंट ये डायरेक्शन में है, तो अगर मैं यहां से इस इमेज को मेजरमेंट करूंगा तो ये अपोजिट हुआ कि नहीं, ये इंसिडेंट रे है तो ये उसका अपोजिट हो रहा है, तो ये किस में होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट माइनस यू और इमेज भी हो गया माइनस में। समझ में आ गया आपको, ये पहला। दूसरा, अगर इमेज अपसाइड है तो ये वाला क्या होगा, अपसाइड डाउन। तो याद रखना ये इमेज पॉजिटिव है और ये इमेज नेगेटिव है, यानी ये इन्वर्टेड लेंगे, ये कैसा है, ये इरेक्ट लेंगे। तो फिलहाल ये हाइट किस में होगा, माइनस में, लेकिन हमारे टेबल में इसके बारे में कुछ है नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है साइज एंड नेचर। साइज कैसा है, स्मॉल है, बहुत छोटा नहीं है, खाली छोटा है, तो स्मॉल। स्मॉल होने के साथ साथ कैसा है, तो इन्वर्टेड है और हम इसको केज कर पा रहे हैं, तो कैसा है, स्मॉल, इन्वर्टेड और कैसा है, रियल। स्मॉल, इन्वर्टेड एंड रियल। और एक चीज याद रखना है हमें यहाँ पे, टेंथ स्टैंडर्ड के अंदर तुम सबको याद रखना है कि टेंथ में ना जितने भी इमेज मिलेंगे अगर वो इन्वर्टेड है, ठीक है ना, मैं बेसिकली टेंथ के लिए बोल रहा हूं, हमेशा नहीं होता ऐसा, जितने भी इमेज इन्वर्टेड है वो सारे इमेज हमें रियल ले लेना है, ठीक है, इन्वर्टेड रियल, ये याद रखना है आपको। टेंथ की, सिर्फ टेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं बार इरेक्ट इमेज भी रियल होते हैं लेकिन उसकी कंडीशन अलग होती है, वो फाइनल इमेज कैसा होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत चीज अलग अलग है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो कैसा होगा, वो रियल ही होगा, अगर इमेज इरेक्ट है तो वो कैसा होगा, वो वर्चुअल ही होगा। आपको ये दो चीज याद रख लेना है बस। तो आपको सेकेंड आ गया, आपने ड्रॉ कर लिया, हम थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड हमारा है, और आज का लास्ट भी हम कह सकते हैं, तो लास्ट हमारा है या थर्ड जो है आज का हमारा, थर्ड जो इमेज है, बाकी आप ट्राई भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे ट्राई करना है। थर्ड, तो हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, हमने कहां से शुरू किया था, इंफिनिटी से शुरू किया था, फिर हम सी के पास लाए, अब कहां पे ले आते हैं, सी पर, है ना, एट सी, कहां पर है, थर्ड इमेज हमारा है एट सी, सी पर। ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी ऑब्जेक्ट है, हाइट एच है, तो आपको याद होगा पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल रेस, जो कहां से निकलेगा, फोकस से, फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे, फोकस जो कहां से निकलेगा, पैरेलल होके निकलेगा, नेक्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो वो हम ड्रॉ करेंगे पी, जो कहां से निकलेगा, सेम एंगल पे, और ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट पे,
और आपको दे सकता है कि ये सपोज ए डैश बी डैश है, तो आपको एच इज इक्वल टू एच डैश दिख रहा होगा, खाली फर्क क्या है कि ये इन्वर्टेड है ना। तो सबसे पहले प्लेस तुम्हें दिख रहा है, कहां मिल रहा है, एट सी ही मिल रहा है। साइज डायरेक्शन, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा मेजरमेंट, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस यू माइनस वी। कैसा दिख रहा है तुम्हें, इन्वर्टेड है लेकिन ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ठीक है ना। तो सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम खाली सेम लिख देते हैं, लेकिन कैसा है, इन्वर्टेड है और साथ में रियल है, ठीक है। और एक चीज हमें और भी एक चीज याद रख सकते हो तुम यहाँ पे, कि तुम्हारा जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, टेंथ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंथ में सब प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से आके ही कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रहा है तो सीधी सी बात, हम मेजरमेंट ऑपोजिट ही करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन जब हम मेजरमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो कैसा होगा, माइनस ही होगा। क्लियर हो गया, ओके। तो आपको समझ में आ गया, तीन फॉर्मेशन आज हमने देखा, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। हमें क्या मिला, एफ पर, बिटवीन एफ एंड सी, और हमें मिला एट सी। सारे यू माइनस में मिला, सारे वी प्लस माइनस में मिला। हमें साइज और नेचर कैसा मिला, तो वेरी स्मॉल और इन्वर्टेड, स्मॉल इन्वर्टेड और सेम इन्वर्टेड, यानी तीनों में इन्वर्टेड मिला और इन्वर्टेड है, तो सारा इमेज मैंने क्या कहा, रियल होगा टेंथ के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाना है, मुझे फॉलो जरूर करना, और वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर भी देख रखा है, अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखो, उसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लो, उसको मुझे सेंड कर दो, और पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। याद रखना है, सॉल्यूशन में आंसर तभी दूंगा जब क्वेश्चन कम से कम मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उसका एक वीडियो सेशन बना के दे दूंगा आंसर। अगर शॉर्ट में हुआ तो मैं आपको पेपर पे सॉल्यूशन करके वापस में रिप्लाई कर दूंगा उसी फोटो पे, ठीक है, ओके। लेकिन फाइनली आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है, सबको इसका हेल्प मिले। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करके ऑल को क्लिक जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।